हेलो अमीगोस, आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, आपके घर में सभी लोग ठीक हैं, आपके आसपास सभी लोग ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल सासी ट्रैवलर। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अगर आगरा आते हैं घूमने तो आपको आगरा के पास कौन कौन सी जगह है जिन्हें आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि आप किन किन प्लेसेस पे विजिट कर सकते हैं आगरा के अंदर। ये आपका एक या दो दिन का टूर हो सकता है, इजीली आप लोग सारी प्लेसेस को विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और मैं दिखाता हूं आपको प्लेसेस टू विजिट नियर आगरा और सिटी के बाहर जो प्लेसेस हैं। अभी मैं आ चुका हूं अकबर के मकबरे पे और ये है पार्किंग। आई थिंक ये फ्री है क्योंकि मेरे से किसी ने पैसे लिए नहीं है। और जो टिकट है वो है 20 रुपीज़ का इसका, और ये है एंट्री, और 5 रुपीज़ का जो आगरा का टैक्स है वो ये लोगों ने लिया है। दिस इज अकबर टॉम, अकबर का मकबरा है ये। और जैसा कि सारे मॉन्यूमेंट्स के आसपास आपको हरियाली देखने को मिलती है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। एंड थोड़ा खाली खाली है क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। लोगों की जो भीड़ है वो जाती है ताजमहल और रेड फोर्ट, यानी कि आगरा का किला। आइए चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको कैसा है ये। अंदर फोटोज़ अलाउड नहीं होते इन मॉन्यूमेंट्स के, तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, बाहर से मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। 20 रुपीज़ का इसका टिकट था और 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो कि यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जाते हैं, जो इनकी रखरखाव के लिए यूज़ किया जाता है। काफ़ी अच्छी हवा है और मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग गर्मियों में ना आए घूमने। अगर आप आगरा घूमना चाहते हैं तो आप या तो सर्दियों में आएँ, और अगर आप सर्दियों में नहीं आ पाते तो गर्मियों में आप सुबह को जल्दी उठकर घूमें और शाम को आफ्टरनून में थोड़ा अवॉइड करें। ये है अकबर के मकबरे की मेन बिल्डिंग। यहाँ सामने से आप अंदर जाएंगे तो आपको कब्र मिलेगी अकबर की। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, अंदर एक बहुत ही सुंदर आपको मुगल एम्पायर का आर्किटेक्चर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ से आप लोग एंट्री करेंगे, जब आप लोग आते हैं तो आपको कुछ ऐसा आर्ट देखने को मिलेगा। इसके ऊपर कुछ उर्दू में लिखा हुआ है, कुछ कुछ फारसी में या कुछ अरबी में लिखा हुआ है, वो अगर आपको लैंग्वेजेज आती हैं तो आप समझ सकते हैं। और काफ़ी सारे नग वगैरह इस पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं आ चुका हूँ फतेहपुर सीकरी। इसका डिस्टेंस आगरा सिटी से 30 से 35 किलोमीटर है। बाय ऑटो बाय बस आप लोग इजीली यहाँ आ सकते हैं। एंड अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको यहाँ बाहर ही पार्किंग में अपनी गाड़ी लगानी पड़ेगी और बाय बस ही आप लोग जहाँ फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा है वहाँ तक आना पड़ेगा। अभी हम लोग आ चुके हैं बुलंद दरवाजा और मेरे साथ ये गाइड हैं एक, उनके साथ मैं फतेहपुर सीकरी पूरा कवर करने वाला हूँ, संदीप। तो आइए चलते हैं। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम बुलंद दरवाजा ऑफ सिटी। आइए चलते हैं और मैं गाइड के साथ
आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में साथ के साथ देता रहता है। जो बताते हैं कि फतेहपुर सीकरी के आसपास की एरिया में जो पूरा बीमार हो जाता था उसको डॉक्टर लोग ठीक नहीं करवा देते, बॉडी पर लाके देते हैं, दो मन करते कि मेरा गोला ठीक हो जाए, ठीक हो जाने के बाद बॉडी पर नाल लगा देते हैं, टूट लगता है कि लड़ाई लड़नी करता था। लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ अपने खास लोगों के साथ बैठकर मीटिंग करता था, इस फोटो में क्लीन प्रदेश का और ये दिल्ली की सेम की कॉपी जमा सेम की पाठशाला ये मिसाइल के लिए लाइट रोशनी के लिए। ये है जामो मस्जिद, जैसा कि भाई बता रहे हैं हमें कि अकबर ने इसको बनवाया था। और वो दरवाजा अकबर के आने का था सर, उसको बोलते हैं रॉयल गेट। उस गेट से अकबर का फैमिली आना जाना करता था, आम पब्लिक जो आते थे। तो और किसी का आने का परमिशन नहीं था वहाँ पे? और ये व्हाइट वाला बिल्डिंग सलीम की साहब का मजार है, जिन्होंने अकबर के लिए दुआ किया था। ये है दरगाह सलीम चिश्ती जी की, बात करने जूते जब बात करने का। ये है जामा मस्जिद का गेट जो कि व्हाइट और रेड पत्थर से बना हुआ है। अच्छा, ये अरबी में लिखा हुआ है, कुरान की आयत है। इसके ऊपर आगे सोने का पानी भरा हुआ है, ऊपर जो जाल लगा हुआ है इसको रिपेयर करते रहते हैं, इसलिए इसके ऊपर जो कोई पत्थर या कबूतर तो नीचे नहीं आना। और यहाँ शामिल है अंग्रेजों के जमाने की। दिस इज द आर्ट ऑफ थ्री डिफरेंट रिलीजन इन इंडिया विच वी कैन सी। हिंदू मुस्लिम एंड क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करके इस बिल्डिंग को बनाया गया है। आइए चलते हैं आगे और जानते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ के बारे में। ये भी यहाँ ऊपर नीचे लेडीज नमाज पढ़ते थे, ओके, जेंट्स लोग इधर नमाज पढ़ते हैं। ये दरवाजे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः दरवाजे हैं, देखने में छोटे बड़े लगते हैं, साइज सब का एक बराबर है, जैसे कि वो बोले कि छोटा भी नहीं कर सकते। तो दिस इज द मिरेकल कि हर दरवाजा एक से एक दूसरे से छोटा लग रहा है बट साइज इज सेम। पानी का झील अभी खत्म हो गया, सीकरी के लोग अभी इसमें खेती करते हैं और आज भी तो वहाँ सीकरी है। फतेहपुर आपने उधर देखा ये टकसाल बोलते हैं, सिक्के वगैरह बनते थे पहले, पीछे जमा होते थे। ये टावर है, वो सामने वो अकबर के हाथी की तरह है जिसपे अकबर सवारी करता था। लास्ट टाइम वो हाथी मर जाता उसको वहीं दफना देते हैं। ये फाइनेंस हाथी को भी दफना हो गया तरीके से। फाइनेंस मिनिस्टर टूडल का मकान था और नेशनल हाईवे है जयपुर। अच्छा, जो वो दिख रहा है ओके, ठीक है। और यहाँ से मोबाइल लेके बताते कबूतरी लेटर लेके जाते थे, कबूतरी लेटर लेके आते थे। ये छोटे छोटे होल्स बनाए हुए पोस्ट ऑफिस। अब हम लोग जा रहे हैं दरगाह की तरफ और काफी सारी इंफॉर्मेटिव चीजें हमें पता लगी हैं आने के बाद। अगर आप लोग यहाँ आएंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा घूमने में बट काफी सारी चीजें पता लगेंगी। प्लेटफॉर्म बताया जाता है कि फतेहपुर सीकरी के आसपास के एरिया में जब बच्चा होता था, लड़का होता था,
तो यहाँ पर उसका वेट कराते थे तोलना। ओके मतलब इस प्लेटफॉर्म पे वेट कराया जाता था बच्चों का, सिर्फ लड़कों का, लड़का जैसे लड़का औलाद होती है उसको वेट कराने का। ओके और ये है दरगाह जो कि बहुत फेमस है, और बाबा के चारों साइडों में 56 प्रकार का जाली है खिड़की से। ये जो जालियां लगी हुई हैं भैया बता रहे हैं इस चीज को कि ये 56 टाइप्स के जाली हैं यहाँ पर। ये नवाब इस्लाम खान की टीम जो अपने टाइम में गुजरात की गवर्नमेंट थी सरकार की सेवा में रहती थी, ये सुरंग का रास्ता मगर अभी बंद कर दिया है राजा महाराज के। ये है चोर रास्ता और ये है यहाँ पर कब्र बनाई हुई है काफ़ी सारी, जो लोग यहाँ आके अपनी लाइफ को यहाँ सरवाइव करते हैं भगवान के ऊपर। अंदर का इबादत खाना इसके अंदर, ये है यहाँ का इबादत खाना। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और कब्र के बीच में से भी हम लोग अंदर जाएंगे। काफ़ी पुराना और इंटरेस्टिंग थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। तो ये है एसी हवा, यहाँ से हवा आता है, चेक करते हैं। हाँ इट्स ट्रू। और ये है कब्र, ये बाबा जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ यहाँ स्पेंड की है उनकी कब्रें हैं। ये दरगाह है सलीम चिश्ती सूफी संत जो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे उनकी, और इसकी काफ़ी मान्यता भी है यहाँ पर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसमें जो जालियाँ बनी हुई हैं ये अलग अलग तरह के हैं, हर बॉक्स को एक अलग जाली के साथ बनाया गया है। और रमज़ान के टाइम पे यहाँ पर काफ़ी चहल पहल मिलती है, और रमज़ान में यहाँ एक फंक्शन भी रखा जाता है जैसा लाइट्स वगैरह के साथ डेकोरेशन आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है। ये यहाँ पर एक पॉन्ड है जहाँ से आप जब आएंगे यहाँ अंदर जाने से पहले आपको हैंड वॉश करना होगा। यह गेट जहाँ से रॉयल फैमिलीज एंट्री करते थे इस एरिया के लिए, काफ़ी अच्छा एक इंतज़ाम यहाँ किया गया है। हम जा रहे हैं बाकी जो एरिया है उसको विजिट करने। यहाँ पर हमें मिलेगा जोधाबाई का महल और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने को, अंदर जाके पता लगेगा क्या क्या है। जा रहे हैं जोधाबाई का महल देखने और उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं वहाँ पर जिनके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगा।
चलिए चलते हैं। यह है जोधाबाई का महल। तो जोधाबाई जो थी वो अकबर की तीन मुख्य महारानियों में से एक थी और वो हिंदू थी। तो उनको उनके रिलीजन के हिसाब से वो सारी फैसिलिटीज़ दिया करते थे। तो अंदर आने के बाद आपको पानी भी मिल जाएगा। और अब ये चलते हैं अंदर, देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं गोल्डन महल। और इसमें पहले जो डिज़ाइंस बने हुए हैं उनमें सोने चांदी और हीरे के वर्क के साथ चीज़ें लगी हुई थी, बट उन्हें अंग्रेज उखाड़ के ले गए। हमारे साथ कितना बुरा हुआ है। यह है वो एरिया जहाँ पे अकबर, यहाँ पर तानसेन अपने सॉन्ग्स को प्ले करते थे और यहाँ पर ये लोग बैठ के सारे उसको एंजॉय करते थे। ये है यहाँ का दीवाने खास, जहाँ पर मंत्री या कोई भी इम्पोर्टेंट लोग जो आते थे वो रुकते थे यहाँ पे। अकबर के जो भी इम्पोर्टेंट लोग या कोई भी अहम मंत्री या कोई भी व्यक्ति जो कि इम्पोर्टेंट थे, बेसिकली हमारी भाषा में बोले तो VIPs, वो यहाँ रुकते थे। और यहाँ तानसेन अपने जगह पर बैठकर सबका मनोरंजन करते थे। इसका नाम है अनूप तालाब। यहाँ पर प्रदेश फिल्म की जो शूटिंग हुई थी उसका क्लाइमैक्स यहाँ पर बनाया गया था। और ये है प्लेस जहाँ पर अकबर गर्मियों में बैठा करते थे। यहाँ पर पहले गार्डन हुआ करते थे और उनकी फ्रेगनेंस से ये सारा एरिया कवर होता था। और सबसे ऊपर मुगल सम्राट। आराम से गर्मी में ऊपर बैठकर हवा लिया करते थे। यह है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जगह जिसको बोलते हैं हम दीवाने खास। ये बहुत फेमस है यहाँ पे। इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है। यहाँ ऊपर जाने के लिए रास्ता है यहाँ से, और यहाँ पर सभी लोग बैठते थे। और ये है खजाना, यानी कि यहाँ पर खजाना रखा जाता था। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन प्लेसेस टू विजिट नियर आगरा सिटी। आई होप आप लोगों को